ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बजे हैं 8 और मैं 5:30 बजे उठ गया था, अपना ब्लॉग एडिट करने लगा था। और ब्लॉग ऑलमोस्ट अपलोड हो गया है, मतलब अभी 50% हो गया है। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे जो है वाईफाई काफ़ी स्लो है इनका, तो मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है, तब जाके जो है धीरे धीरे काम चल रहा है। और मुझे लग रहा है जो है अभी लग जाएगा 1 घंटा अपलोड होने में, तो मे भी जो है टाइम से ब्लॉग आ जाएगा। शनाया इधर सोने में लगी हुई है मस्त। अरे अब तो उठ जाओ। और अनी जो है ब्रश करने में लगी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक डेंटल किट प्रोवाइड की थी, तो अभी मैंने जो है हाउस कीपिंग को कॉल की थी, तो वो दूसरी भी डेंटल किट दे गए। तो मैंने तो अनी से बोला था मेरा वाला ब्रश है इसी से रगड़ लो, बट इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चल पाएगा, तो इनके लिए दूसरा ब्रश जो है मंगवा दिया है। और बाय द वे रूम पूरा एकदम सारा बिखरा हुआ है, तो आप लोगों को पहले मैंने रूम दिखाया था जब एकदम सही था, तो अब कैसी इसकी हालत हो गई ये भी दिखा देते हैं एक बार। तो इधर देखो फ़ोन कहाँ रखा था कहाँ, और ये सारी पिलोज जो है मेरे उधर फेंक, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी हैं। और देखो पूरा सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ। ब्रेकफास्ट शुरू हो गया नीचे, तो शनाया उठ जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। रात में खाना खाया था बट उतना मज़ा नहीं आया था। और भाई देखिए चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे बार बार क्या जाऊँगा, सीधे अनी के साथ जाते हैं, पूरा ब्रेकफास्ट करके ही आएंगे आराम से। उसके बाद मैं सारी पैकिंग करूँगा फिर जल्दी से निकलते हैं। और अब मैं शनाया को उठाता हूँ, नहीं तो ऐसी सोती रहेंगी। शनाया उठो, उठ जाओ मेरा बेटा, अब तो आप बहुत सो ली हो। अरे अब तो उठ जाओ, अभी ऐसे ही सो जाएंगी मुझे लगा। तो शनाया का भी कॉम किया जाएगा और ये बिना ब्रश किए ही जाएंगी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। क्यों बेटू ब्रश करोगी आप? लेके आई हो नहीं लेके आई हो? क्या देख लिया? क्या ओ आपका बर्थडे कैप? लो रात में आपने नहीं लगाया था, अभी लगा देते हैं। क्या नहीं लगाना है? रख दें, हम लगा ले। अच्छा मम्मा लगा ले? नहीं मम्मा लगा लेंगी। देखो मम्मा का देखो आगे लगा दो लगा दो लगा दो, शनाया के लगा दो भाई। नहीं क्यों? और अनी लेके आई थी एक अपना पता नहीं क्या, ये क्या था? बीटरूट पुडिंग, बीटरूट बीटरूट बाइट, फूड बाइट विद कस्टर्ड सॉस। कोई नहीं खा लेंगे, खा लेंगे नहीं तो ले जाएंगे घर। जो होटल से लगी हुई प्रॉपर्टी है ना इनके तो मजे हैं, क्योंकि होटल वाले कभी ना कभी तो इसे ले ही लेंगे। यार यहाँ पे घर बना लो एकदम मस्त लगेगा ना। शनाया बहुत ज्यादा शरारत कर रही है आजकल, इन्होंने इसे मुंह में रख लिया है, चबा रही। इनकी मम्मा ने देखा है काफी देर से कुछ चबा रही है, अभी तक इन्होंने खा नहीं पाया, ये खा रही थी। आप ऐसा करती हो? वो है तो वो तो ठीक है, आप ये क्यों खा रही थी कल? आप क्यों खा रही थी ये कोई खाने की चीज है? आप तो नहीं खाओगी ना? अब नहीं खाना है, खाने वाली चीजें ही खानी है। चलो ब्रेकफास्ट करा लें अपने बच्चे को, चलोगी? चलोगी ला पापा लगा लें कैप, पापा लगा लें। कर 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 कर। क्या है बेटा? नहीं देखो आपसे नहाने के लिए इनसे बोलती हूँ तब भी ये नहीं कर देती है। अभी अब नहाने में रोने लगी है। जाओ देखो 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 नहीं। क्यों नहीं लो इन्हें, जाओ बेटू नहीं। नहीं मेरा बच्चा बहुत शैतानी होता जा रहा है, अभी चलो आपको ठंडे ठंडे पानी से नहला देते हैं। लो ये वाला मुझे काफी सही लगा, पूरा इतना बड़ा मिरर है एकदम मस्त। बाय बेटू बाय। देखना देखना ही करेंगे अभी, बेटू डरना नहीं है ठीक है, नीचे जाएगी तो डरना नहीं है। फिलहाल मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, फ्रूट्स हैं और वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं, मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स। तो शनाया को जो है इससे खिला देंगे। लो
हेलो हेलो आराम से। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट डन हो गया और इनकी मम्मा अभी भी चाय पीने में लगे हुए, लास्ट टी पी रही है वो, और इतना ज़्यादा खा लिया आज लंच करने की जरूरत नहीं पड़ी। सनाया ने भी काफ़ी कुछ ट्राई किया बट इन्हें कुछ पसंद नहीं आया, तो इनके लिए जो है मिल्क ले लिया, अभी रूम में चल के इन्हें मिल्क पिला। मैंने इतना सारा खाने के बाद में एक ग्लास करेले का जूस पिया था, एक बॉटल थी, पहले मैंने थोड़ा सा पिया तो बहुत अजीब सा लग रहा था, नहीं बोल रही थी अरे खराब हो गया नहीं पी पाओगे आप, फिर मैंने आँख बंद करके पी लिया मतलब, बट उतना कड़वा नहीं था जितना जो है एकदम फ्रेश निकालो, नहीं इसमें थोड़ा सा आई थिंक 50% करेला और 50% पानी था, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा कड़वा था। तो उसे पीने के बाद में एकदम पूरा ऐसा लग रहा है कि जितना खाया सारा डाइजेस्ट हो जाएगा आराम से। और भाई 10:30 होने को हैं, ब्लॉग आज काफ़ी लेट अपलोड हो पाया, जस्ट अभी अपलोड हो पाया तो मैंने शेड्यूल पर लगा दिया 10:30 ब्लॉग आ पाएगा, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो 5:30 उठ गया था, ब्लॉग मैंने एडिट भी कर दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, इनका तो एकदम बेकार सड़ा हुआ है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी सनाया को भी नहला दिया जाएगा और मैं भी नहा लेता हूँ, उसके बाद में निकलते हैं जल्दी से। आपको फेंक दें इस पे, चलना नहीं है क्या? नहीं नहीं चलना है। हाँ। पापा किच्ची कर दो एक, थैंक यू, आपको कर दें। तो फिलहाल हम लोग जो है रेडी हो गए, यहाँ से निकलते हैं, और बाय द वे 12 बजने को है, 12 बजे चेकआउट भी है, तो उससे पहले यानी सारा सामान चेक करते हुए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, बाकी सारा सामान ऑलमोस्ट रख लिया है, लास्ट टाइम चेक कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो है नहा भी लिया, अब नहाने की टेंशन नहीं कि घर जाके नहाना है, बाहर बाय द वे काफ़ी तेज धूप है। तो अभी मैं कॉल कर देता हूँ तो सारे बैग्स वगैरह जो है कार में रख दिए जाएंगे। हाय, तो हम लोग जा रहे हैं, बाय। तो हम लोग जा रहे हैं, बाय। हाय, जा रही हो क्या? क्यों सुना है? जा रही हो? देखें इधर, देखें कहाँ जा रही हो? बाय बेटू, बाय मम्मा, मम्मा बाय। हाय हाय, अनी से बोलता हूँ कि एक दो फोटो खींच ले मेरे, जब तक तो कोई आएगा नहीं तब तक जो है ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी, और तब तक मैं थोड़ी देर आराम फरमा लेता हूँ, सो लेता हूँ थोड़ा। लेकिन भाई तभी एक सीन है कि अब एक दिन रुक गए यहाँ तो अब पूरा बोर हो गए ना, अब नहीं मूड हो रहा है कि यहाँ एक दिन रुकने का, एक्चुअली यहाँ पे कुछ मतलब अरे गोवा में काफी चीजें एक्सप्लोर करने को ना, यहाँ है भी क्या? हाँ। यहाँ इसके अलावा और क्या है, वहाँ कोई रूम में थोड़े रहते थे, बाहर घूमते थे, बीच पे जाते थे, बहुत याद आ रही है, इतनी सारी जगह गए, सबसे बेस्ट गोवा था। देखो अब कब प्लान बन पाए, सो गई ना। तो अभी जो है वो कार लेने गए हैं बाहर, तब तक मैं इस वाली कार को ट्राई कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, काफी मस्त है भाई, आ जाओ बैठोगे? यस। तो अनी को भी बैठा लेते हैं, शनाया तो सो रही है एकदम मस्त। ये वाली व्हीकल किस लिए यूज होती होगी? आई थिंक घुमाने के लिए होगी, नहीं रेंटल है या फ्री ऑफ कॉस्ट? इधर पीछे से भी बैठ सकते हैं ऐसे, अपनी गाड़ी आ रही है वो सामने उधर, क्या चलो क्या है तक चलो, बिल्कुल नहीं है। नमस्ते सर, तो फाइनली काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में हम लोग जो है यहाँ से निकले हैं, आई थिंक इन्होंने बस बाकी सब काम अच्छा किया, बाद में आई थिंक 45 मिनट्स हम लोगों ने वेट किया तब जाके जो है बंदा आया सामान लेने के लिए। एक्चुअली इस समय जो है रिसेप्शन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कल हम लोग आए इतनी भीड़ नहीं थी ना, आज काफ़ी सारे लोग जो है चेक इन कर रहे थे। और बाय द वे मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, अभी बीच में तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन जो है आंधी तूफान आने वाला है, देखो बादल कितने तेज़ हैं, भयंकर बारिश हो गई आज।
शनाया अभी भी सोने में लगी हुई है, कल ये गई थी तब भी सोती हुई गई, आज वापस आ रहे हैं तब भी सोती हुई। तो हम लोग जो है वापस आ गए थे 2 बजे और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो एक्चुअली कल हम लोग मॉर्निंग में निकलना है जल्दी, तो अनी को थोड़ी शॉपिंग करनी है तो इसलिए जा रहे हैं मार्केट। और शनाया की भी डांट पड़ गई क्योंकि अपनी इनकी एक हैबिट पड़ गई है, स्लीपर पहनेंगे तुरंत निकाल देंगे, तो क्योंकि इनकी मम्मा ने एक इनकी चांटा लगा दिया हल्के से भाई चांटा मार दिया मेरे बेटे को, भाई चांटा मत मारा करो। और वहां से वापस आने के बाद में मैं तो सो गया था, पूरे 2 घंटे सोया हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, रात में हम लोग 11 बजे सोए, आई थिंक 11-12 बजे के आसपास में, सुबह में 5:30 बजे उठ गया था, इस वजह से जो है नींद काफी तेज आ रही थी। तो अब दिन में सो ली, अब एकदम मैं अच्छा सा फील कर रहा हूँ, नींद अगर पूरी ना हो तब तक मजा नहीं आता है ना बाबू। अब मेला बाबू नाराज हो गया मेले बाबू ने खाना खाया नहीं खाया तो अनी ने आज जो है ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा कर लिया कि इन्होंने लंच स्किप कर दिया, इन्होंने कहा सीधे अब डिनर करेंगे। मेरा भी फिर मूड नहीं हुआ, मैंने भी आज लंच नहीं किया क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया था काफी ज्यादा। और मेले बाबू ने भी कुछ नहीं खाया ना छोटे वाले ने। लो चेक करो, देखो कुछ छूटा तो नहीं। एक्चुअली सनाया के लिए जो प्राइज लेनी है वो दूध पी नहीं रही है, आज काफी ज्यादा भूखी है। थैंक यू। और आज बाय द वे काफी ज्यादा भीड़ है वीकेंड की वजह से। और अब हम लोग जाएंगे डिनर के लिए, तो अभी देखो प्लान क्या रहता है, कहाँ करना है डिनर। तो हम लोग जस्ट अभी घर वापस आए हैं और शनाया को नींद आ रही है, पापा जी को भी नींद आ रही है। और बाय द वे टाइम हो रहा है 9:45। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बोलो बेटू, बाय बाय बाय।